हरि ओम, मेरा नाम कविता पटेल है और मैं यूएस डेलस टेक्सास में रहती हूँ और हमारे घर पे प्रायोगिक उपासना भी है और मैं वॉलमार्ट में काम करती हूँ। बापू के यहाँ मैं 2000 के साल से आ रही हूँ और अभी मैं आपके साथ मेरा जो अभी एक 10 दिन पहले का एक अनुभव है जो शेयर करना चाहूँगी। मेरी डॉटर को मैं लेने के लिए उसका इंटरव्यू कॉल था तो उसको लेने के लिए मैं 2 फरवरी को इंडिया आ रही थी। हमारा सब कुछ रेडी था, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों उसको लेने के लिए आ रहे थे और मेरे हस्बैंड को उनके साथ इंटरव्यू के लिए जाने का था एम्बेसी में, यूएस एम्बेसी में। तो हम लोगों का सब कुछ रेडी, मीन्स प्लानिंग, सब शॉपिंग एंड टिकट बुकिंग सब कुछ हो गया था। और उससे पहले, आने से पहले मेरे हस्बैंड को फर्स्ट को हम लोग वहाँ 1 फरवरी को वहाँ यूएस से निकलने वाले थे और 30 तक मेरे हस्बैंड बिजी थे अपने रूटीन वर्क, मीन्स लाइक उसके ऑफिस वर्क में, और उनको मीन्स ट्रैवलिंग ही था। एक वीक क्लीवलैंड में थे, न्यूयॉर्क में थे, सैन फ्रांसिस्को में थे। तो सैन फ्रांसिस्को में वो थे, तभी एक दिन उनका टेस्टिंग हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ऑफिस में से पता चला कि नहीं, आपको और करना है। तो आप जो प्री लॉन्च डिवाइसेस थी, तो वो बोले कि ठीक है मैं करता हूँ। और वो करते करते उनके फ्रेंड के साथ सामने मोबाइल की एक दुकान थी, वो बोलते मैं जाके आता हूँ ऐसे ही। तो टेस्टिंग करने का सब सामान बैकपैक थी, उसमें बैकपैक में रखा और वो सीट के नीचे रख दिया और पार्किंग करके, और बड़ा सा पार्किंग लॉट और 7 बजे का बहुत सारे लोग आते जाते वाले, और वो मोबाइल की दुकान में जाके वापस आते हैं 10 मिनट में और देखते बैठ जाते हैं। और देखा तो कांच पूरा टूटा हुआ है, लाइक यहाँ जो एरिया में वो थे ऑकलैंड में, वहाँ क्राइम इतना ही है तो कुछ बोल नहीं सकते। उनको पता चला कि उनका शीशा टूटा है, उनका कुछ तो भी चोरी हुआ है। उन्होंने अपनी बैग चेक किया कि है कि नहीं, बैग देखी तो बैग नहीं थे, बैग में कंपनी के प्री लॉन्च मोबाइल, लैपटॉप, उनका खुद का पासपोर्ट, बहुत सारी फ्लैश ड्राइव्स, बहुत सारी उनकी पर्सनल चीज़ें, सब कुछ बैग में थे, वो बैकपैक में थी। तो वो देखा कि चली गए, उन्होंने इमीडिएटली, उनका फ़ोन, खुद का फ़ोन उनके पास था तो वो अच्छा हुआ, उन्होंने इमीडिएटली क्लिक किया सब फोटोग्राफ्स, उनकी ऑफिस में भेज दिया। उनके ऑफिस वाले 10 बजे थे, क्योंकि टाइम जोन अलग अलग है। तो वो लोगों ने बोला कि ठीक है अभी तो कुछ नहीं हो सकते, हम लोग सुबह में बात करते हैं, आपके फोटोग्राफ, वो लोगों ने फोटोग्राफ सब कुछ देख लिया। और मेरे हस्बैंड ने पुलिस को भी बुलाया, तो पुलिस बोलते ये तो छोटी चीज़ है, मर्डर नहीं हुआ है ना, तो कुछ नहीं है, ये तो चलता है इधर। एंड ही सर मुझे कल सुबह में बैक टू डैलस जाना है। तो कहे ठीक है आपका नंबर छोड़ के जाओ, हम लोग आपको कॉन्टेक्ट करके बोल देंगे जो भी कुछ होगा। तो और वो टेंशन में इतना था कि वो, उनका कुछ गलती नहीं था, लेकिन एक वीक के बाद इंडिया जाने के लिए पासपोर्ट चोरी हो गया, लाइक पासपोर्ट का क्या करेंगे। तो वो जैसे ही शुक्रवार को इंडिया, अरे डैलस आए, और डैलस आने के बाद उन्होंने इमीडिएटली एप्लीकेशन की नए पासपोर्ट के लिए। वहाँ से वो लोगों ने बोला कि हाँ आपका पासपोर्ट हो जाएगा, आप मंडे को आ जाइए और आपका पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। और जो न्यूयॉर्क की उसके बाद ट्रिप थी वो उनका कैंसिल हो गया, क्योंकि जो डिवाइस, जो मोबाइल टेस्ट करने का था वो चोरी हो गया था, तो उनका वो ट्रिप कैंसिल हो गया। और बाद में वो मंडे को पासपोर्ट कलेक्ट करने जाते हैं, तभी पता चलता है कि उनकी एक्स वाइफ जो थी, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखा था कि आपको नया पासपोर्ट ना मिले, क्योंकि आप अमेरिका छोड़ के कहीं जाओ नहीं। वो इतना उनका मूड छोटा हो गया और वो बोले कविता मुझे पासपोर्ट नहीं मिला है और मुझे पासपोर्ट चाहिए तो कम से कम 30 डेज लगेंगे, क्योंकि मेरा जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिमूव होने के लिए ही 30 डेज लगेंगे, उसके बाद पासपोर्ट कब बनेगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तो पॉसिबल ही नहीं है आने का, तू अकेली जा। और मैंने कहा ऐसे कैसे मैं अकेली जाऊँगी, आपको इंटरव्यू के लिए जानवी के साथ जाना है, इतनी बड़ी ट्रिप अमेरिका पहली बार मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है कैसे क्या करने का, कोई मुझे बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और तभी वो बोले शायद बापू को यहाँ मेरी ज़रूरत है, मुझे बापू पे पूरा विश्वास है कि वो जो करेंगे ना वो सब कुछ ठीक करेंगे।
थिंक पॉजिटिव मुझे बोल रहे हैं. मैंने कहा अभी इसमें क्या थिंक पॉजिटिव, मुझे अकेले जाना है करके. एंड वो कह के मैं रेडी हूँ, मेरे बापू जो करेंगे वो सब कुछ ठीक करेंगे. एंड आई सेड ओके फाइन, लेकिन मैं इंसान हूँ आखिर में, मीन्स ऐसा थोड़ा टेंशन तो आता ही है. और उन्होंने पासपोर्ट नहीं मिला, इसलिए फिर भी उन्होंने तभी का तभी सब कुछ पता होने के बाद भी उन्होंने उसके ऑफिस में फेडरल ऑफिस में फ़ोन कर दिया कि मेरा ऐसा ऐसा पासपोर्ट रुका है और मैंने तब मेरा सब कुछ क्लियर है रिकॉर्ड. तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट ऑफिस में कोई फ़ोन इतना जल्दी रिसीव नहीं करता है, जो भी है अपनी एप्लीकेशन वो रिकॉर्ड हो जाती है. और वो रिकॉर्डिंग उसके जो एप्लीकेशन है उसका जवाब भी वहाँ कंपलसरी होता है कि 48 आवर्स के बाद मिलता है. मुझे मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि कविता कुछ भी हो जाए नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अब तेरे अकेले को जाना है और बापू के बापू पे विश्वास रख, वो जो भी कर रहा है, जो भी नहीं हो रहा है हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो अपने अच्छे के लिए ही कर रहा है. मैंने कहा ठीक है, मैं हाँ हाँ बोलती थी लेकिन अंदर से दुखी थी थोड़ी. फिर मेरे हस्बैंड ने जो एप्लीकेशन किया था वो हमको पूरा प्रोसीजर पता है कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरे दिन जो 48 आवर्स के बाद जो जवाब आने वाला था, आंसर आने वाला था, वो 12 घंटे में वो लोगों ने सामने से फ़ोन किया और वो लेडी बोलती है मिस्टर पटेल आपका आप कंटिन्यूस आपका 2-3 साल से चाइल्ड सपोर्ट कंटिन्यू आ रहा है, तो आपका रिकॉर्ड सब कुछ क्लीन है, तो आपका जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो हम लोग रिमूव करते हैं और मैं फेडरल ऑफिस में बात कर देती हूँ, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कल जाके अपना पासपोर्ट ले लीजिए. और अर्षित ने मुझे जॉब पे मैं थी तो जॉब पे मुझे फ़ोन करके बोला कि कविता ऐसा हुआ है. मैंने कहा मैं सच ही नहीं मान रही थी क्योंकि ऐसा लग रहा था इतना बड़ा प्रॉब्लम आने के बाद इतना जल्दी इतने छोटे से चीज़ में कैसे सॉल्व हो सकता है, उसके लिए कुछ स्ट्रगल नहीं कुछ नहीं और इतना जल्दी से कैसे सॉल्व हो जाता है. मैंने कहा ठीक है आशित, जब भी पासपोर्ट आपके हाथ में आएगा तब मैं सच मानूंगी. तो कह के ठीक है. और सच्ची में दूसरे दिन नहीं, उससे पहले क्या हुआ कि हम आशित उनके फ्रेंड के साथ बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ मेरा कैंसिल है जाने का. उनके फ्रेंड ने बोला बापू भक्ति है वो, उन्होंने बोला कि आप टिकट मत कैंसिल करवाना, टिकट रखना अभी इतना जल्दी कैंसिल मत करवाना. और मैं तभी मेरे मुंह में से एक शब्द निकल गया था कि ये चीज़ में कोई मिरेकल नहीं होता है, ये गवर्नमेंट चीज़ें होती है उसमें कुछ मिरेकल जैसा कभी नहीं होता है, तो आपका होने का तो सवाल आपका पासपोर्ट होगा ही नहीं करके. तो मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि उनको नहीं पता इसलिए वो बोलते हैं, लेकिन ठीक है ना किसी किसी से विश्वास होता है. मैंने ठीक है, लेकिन वो जो मेरे शब्द थे वो मैं अभी क्या बोलूँ उसके लिए, मिरेकल वो शब्द मैंने कैसे यूज़ कर दिया वो मैं मुझे नहीं पता है कि बापू के वहाँ तो सब कुछ होता है, सब कुछ असक्य चीज़ें शक्य हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है. और सच्ची में दूसरे दिन पासपोर्ट मेरे हस्बैंड के हाथ में था, जो चीज़ 30 डेज लगने वाली थी वो 12 घंटे के अंदर मेरे हस्बैंड के हाथ में पासपोर्ट आ गया था. अभी प्रॉब्लम था वीज़ा का, क्योंकि वीज़ा के बिना तो आ नहीं था, वीज़ा कम से कम 4 दिन लगते हैं वीज़ा लेने के लिए. उन्होंने वहाँ भी एप्लीकेशन कर दिया कि 4 दिन के बाद जो चीज़ आने वाली थी वो 12 घंटे से पहले लाइक. और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों सुबह में 6:30 बजे नाश्ता कर रहे थे तभी उनको ईमेल आया, तो ऐसे ही कुछ मैसेज आया करके देख रहे थे मोबाइल पे और देखा तो ईमेल था कि योर वीज़ा इज़ ग्रांटेड एंड आप 29 से आप फ्लाई कर सकते हो. सो हम दोनों को समझ में नहीं आ रहा था खुश हुए कि क्या, लेकिन मीनवाइल मेरे हस्बैंड का कंटिन्यूस चल रहा था कि तू विश्वास क्यों खोती है, तेरे को बापू पे विश्वास नहीं है क्या. मुझे विश्वास है बापू जो भी करेगा वो ठीक करेगा, बापू की जब इच्छा होगी मुझे बुलाएंगे, अगर उनकी इच्छा इधर रखने की है तो मैं इधर रहूँगा, तो तेरा क्यों विश्वासहीनता है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे क्यों बापू के लिए ऐसा बोल रहा है, मैं तो बापू में मुझे विश्वास है तो मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हैं. तो मैं तभी बोल रही थी वो मेरा और बापू का लुकआउट है, वो आप मत मुझ में बोलो करके, मेरा है और बापू का अपना ये है. तो वो बोलते हैं ठीक है तो फिर तेरे को विश्वास रखना चाहिए. और वो कंटिन्यूस बोल रहे थे कि मेरा मुझे विश्वास है बापू डेफिनेटली करेंगे, जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे. हरिओम, मैं अम्मा गया है.